जा रहे हो आप लोग? अरे मैं भी यही कर रही थी, दो ही है हमारे पास, दिशु का फोन वहाँ पे व्यवस्था कर देंगे। चल रहा हूँ अभी। हाँ यहाँ पे जी अभी वो गेट बंद कर का, और ये मैंने एक खा के आती हूँ दही वाला। हाँ हाँ मैं पूछवा दूंगी, ठीक है। हाँ 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 भैया कह दीजिए किसको। हाँ ही हो, जा रही हो, बाय बाय, आ रही हूँ मैं, ठीक है, बाय। सोनम जुगारू को भैया अभी प्लान पटा रहे थे और ये अपने पिचकारी में भर रही है। यार देखो पीछे से मारना, पीछे से, कैमरा पे नहीं, कैमरा पे नहीं, पीछे से मारो सोनम, पीछे से मारो, पीछे से, रुके, पीछे से, पीछे से मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, फेंकेंगे। यहाँ पे जो है होली पीछे बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है, जाने में भी डर लग रहा है, देख रहे हैं सारे लोग जो है भूत बन बन के निकल रहे हैं। ओ माय गॉड, समझ रहे हैं, आज तो आप गए ठाकुर तो गए हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, जाना मना है, चलिए नहीं सुनिए, एक सेकंड, अरे अरे एक सेकंड रुकिए ना, मैं पूरा लगाऊंगी, मुझे आप खेलते हुए नहीं देखे हो, फिर बस मैं ये बोल रही थी थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूं, वीडियो बना लूं, नहीं थोड़ा सा लगाओ यार, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आपको तो पैर पड़ा है। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली, हैप्पी होली, चलो चलते हैं उधर। हां आप
चलो आप तो ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपके पास कोई नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा हमारा शॉट ले लेना। चलिए सही है, सही है, चश्मा लेके आई आपके। तो आज की ब्लॉगिंग जो है हमारी अंशिका करने वाली है, ठीक है, क्योंकि अंशिका को कोई पानी वाला जो है वो डेंजर जोन से फ्री है, कोई नहीं लगाएगा अंशिका को। वो क्यों नहीं लगाएगा वो मैं आपको अपने ब्लॉग में आगे बताऊंगी, अभी टाइम है। तो ये सेफ है और मेरा फोन भी फिर सेफ रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब मैं बिना डरे जा सकती हूँ होली खेलने के लिए। डांस कीजिए।
होगी, आने के कंडीशन में नहीं है। तुम लोग नीचे नहीं आई ना, बहुत गंदी हो तुम लोग, क्यों नहीं आई नीचे? अरे जाने को तैयार नहीं, हम क्या करें बोलो ना। आपको आज कलर लगाना है। हैप्पी होली। छुप के बैठे थे विकास जी और पकड़ा गए है ये, नहीं बच पाए। जल्दी 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 पकड़ा लो रुई जल्दी। अरे इनको यहीं पे पटक दो इसको, लगाओ लगाओ। अरे 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 लड़ाई, अरे ऐसे कैसे, ये क्या है, ये गुंडागर्दी हो रहा है। जोश जोश में पूरा गिरा दी, इसी में से निकाल दो बताओ ना, विकास को लगाएंगे। दीदी लोगों को लगा लगा दीदी लोगों को लगा दो, आप चलो शाम में मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग होली खेल के आ गए और हम लोग एकदम पागलों वाली होली खेले, बहुत खेले हैं होली, बहुत ज़्यादा खेले, बहुत मज़ा आया। और ये तो आपको देख के लग ही रहा होगा, आँख हम मेरी जो है ना वो पूरी जल रही है, हाथ की कलर वलर अभी है ही, और फेस का थोड़ा बहुत जो है वो चला गया है, बट बहुत मज़ा आया, गांव की याद आ गई, इतना हमने इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया। और अभी जो है जस्ट मैं नहा के फ्रेश होके आई हूँ और जा रही हूँ अब जल्दी से जो है खाना पे टूटने वाली हूँ, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। तो और वैसे भी मेरा फेवरेट खाना बना है चिकन, चिकन पुआ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जा रही हूँ चिकन पुआ खाने के लिए। यहाँ पे मेरा मटन स्टाइल चिकन जो है वो बहुत ही यम्मी लाजवाब बना है, मज़ा ही आ गया, मैंने अभी टेस्ट किया है। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आज का खाना है पुलाव, मालपुआ, दही बड़ा और चिकन। हेलो, तो मैं आज ये साड़ी पहनी हूँ और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं दरभंगा से लाई थी, अग्रवाल से, तो मैंने सोचा था कभी ना कभी पहनूंगी, लेकिन मैंने इसे होली पे ही पहना और ये फुल लुक मेरा ये है। तो सारे गेस्ट जा चुके हैं होली मना करके, अबीर खेल करके, और हम लोग इतने बिजी थे कि शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। भूल गई मैं, बिल्कुल ही भूल गई थी मैं, इतनी बिजी हो गई थी होली खेलने में, अबीर खेलने में शाम वाला, कि मैं बिल्कुल भूल गई थी। इसके बाद खाना पीना होने लगा, फाइनली अभी रात के बज गए हैं 10, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने तो बिल्कुल भी शूट ही नहीं किया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको अपना साड़ी दिखा दूँ कि आज मैंने ये साड़ी पहना है। और ये ब्लाउज की बहुत बड़ी स्टोरी है, एक दिन में मेरी बुटीक ने इसको स्टिच करके दिया और ये इतना अच्छे से स्टिच करके दिया है कि लग नहीं रहा है कि इतना जल्दबाजी में उसने मेरा स्टिच किया है ब्लाउज। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने ब्लाउज से भी और इस साड़ी से भी, बहुत अच्छा लग रहा है ये साड़ी, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने इसे पहन रखा, एकदम हल्की सी है, एकदम सॉफ्ट सी है, तो मज़ा आ गया पहनने में। और ये साड़ी मैंने लिया था अग्रवाल से, दरभंगा से ही इस बार मैं लेके आई थी, तो बहुत मज़ा आया मुझे इसको पहनने में। और
बस यही था और होली भी बीत गया। बहुत अच्छे से होली हमने सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। अभी इतनी हालत ख़राब है, मैं खड़ी होने के लायक नहीं हूँ, एकदम दर्द से हालत ख़राब है। तो कल तो मैं आराम से उठूँगी सुबह में, जब ही का वैसे तो कल स्कूल है, लेकिन मैं लेट से उठूँगी। मिस्टर जाउस को भेज देंगे क्योंकि मेरी लग नहीं रही है तबीयत ठीक, क्योंकि कमर में बहुत पेन हो रहा है। सुबह से मैं खड़ी हूँ, एक बार भी नहीं बैठी हूँ। सुबह मैं 7 बजे की उठी हुई हूँ, रात में मैं 2:30 बजे सोई थी। दहीवड़ा बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया था, चटनी बनाते बनाते, तो मैं सोई कल 3:30 बजे, क्योंकि 2:30 बज रहे थे। उसके बाद जब मैं गई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ी देर जो है वो व्हाट्सएप वगैरह चलाया, नेट वगैरह यूज़ किया मैंने, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। 3:30 बजे जाके मुझे नींद आई और सुबह सुबह मैं जो हूँ वो उठ गई 7:30 या 8 बजे के करीब। तो आज पूरे दिन मेरा जो है बहुत बिजी गया है और बहुत मज़ा आया। होली बहुत अच्छे से बीत गया। हीयू का फेवरेट है होली, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। जब मैं होली खेलने लगती हूँ तो मैं अगल बगल सब कुछ भूल जाती हूँ, तो इतना मुझे पसंद है होली खेलना। और उसके बाद जब छुड़ाना पड़ता है ना उस कलर को, तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। तब मुझे लगता है कि क्यों मैंने होली खेला, लेकिन फिर भी एक साल में एक बार आता है, इतना तो बनता ही है कि आप मेहनत करो खेलने के बाद, एंजॉय आप करोगे तो मेहनत कौन करेगा कलर को निकालने में। तो ये था हमारा होली, जो कि मैंने आपको दिखाया कि हम लोगों ने कितने पागलपंती की तरह होली खेला, वो भी बैंगलोर में। तो ये सबसे बड़ी बात है। बस तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।